MSEDCL की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए 9000 करोड़ रुपए के स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए ग्राहकों से बकाया की वसूली के लिए विलासराव देशमुख अभय योजना की घोषणा की गई है। ऐसे ग्राहकों को इस योजना का लाभ उठाने पर 1,445 करोड़ रुपए की छूट मिलेगी, इसलिए उपभोक्ताओं को योजना में भाग लेना चाहिए और MSEDCL के साथ सहयोग करना चाहिए। ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत ने 1 मार्च को लोनार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की। MSEDCL मौजूदा कोयले की कमी को दूर करने में तभी सक्षम होगी जब ग्राहक अपनी बिजली बिलों का भुगतान करेंगे, अन्यथा वजन नियंत्रण के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख का सफर बभल गांव के सरपंच से मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय मंत्री तक रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में किसी विशेष विभाग या इकाई के समिति विकास पर कभी विचार नहीं किया। उनका हमेशा राज्य और यहां के लोगों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रहा है। वे अपनी विशेषता के कारण पूरे महाराष्ट्र में लोगों के नेता के रूप में जाने जाते थे, इसलिए उनकी याद में इस अभय योजना का नाम विलासराव देशमुख अभय योजना रखा गया है। ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत ने यह जानकारी दी। लोनार से BCN न्यूज के लिए शेख सम्मत की रिपोर्ट। We'll be right back.